सतना से पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा पहुंचे प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि सतना से आए प्रेमी जोड़े ने रीवा के मंदिर में ब्याह रचाया है। लड़की की मां द्वारा शादी का विरोध किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर सुरक्षा के लिए आवेदन दिया है। प्रेमी मिथिलेश कुमार साकेत निवासी किराई सतना का प्रेम सिंधी कैंप सतना में रहने वाली खुशबू साकेत से चलता था। उन्होंने घर वालों की सहमति से विवाह करने का प्रयास किया, लेकिन लड़की की मां ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। इस बात पर बुधवार को युवक व युवती ने शिव मंदिर कोठी कंपाउंड पहुंचकर शादी रचा ली है। युवती की मां चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दे रही है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं प्रेमी जोड़े ने क्या कहा। कहाँ से रहे हैं? सतना। आप शादी करने कोई दबाव तो नहीं आपकी? जी नहीं, अपने मर्जी शादी की है। माँ आपकी क्या बोलती है, बता दीजिए। माँ हमारे बोलते हैं कि वो हमें देर से लड़का पसंद नहीं है, हम वहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं। और बोलते थे चली जाओ तुमको जाना है। तो अब हम बालिक हैं, अब हम विवाह कर लिए, तो मम्मी बोलते हैं चोरी पे इल्जाम लगाएंगे। क्या कहती हैं मम्मी? बोलते हैं कि चोरी का इल्जाम लगा देंगे। आप दोनों एक साथ रहना चाहती हैं? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मिथिलेश कुमार साकेत। कहाँ से हैं? किराहा जेरगांव जिला सतना। चौड़े से बोला या दोनों बबुल? आज आप लोग शादी किए हैं मंदिर में, एसपी कार्यालय आए हैं, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हम लोग प्रेम विवाह किए हैं, और इसके कारण ये लड़की की मम्मी नहीं चाहती कि इनकी हो, और हम लोग बहुत दिन से चला था, और इसकी मम्मी वो भगाती थी इसे कि चली जा मेरे घर से, वो तो आज नहीं कल चली जा, आज चली जा इसे बोलती थी। और जब ये चली आई और आके शादी कर ली, तो अब गलत बोलती है, बोलती तुम्हें फंसा दूँगी, कर दूँगी तो मेरे घर से सामान चोरी जा करके ले गई है, चांदी सोना है, ये सब बताती। ये सहमत हैं आपके साथ? हाँ सहमत है। क्या नाम है इनका? खुशबू साकेत। कहाँ की हैं? ये है सतना सिंधी कैंप, सतना सिंधी कैंप। आप दोनों जन राजी हैं? हाँ हम लोग राजी। आपके घर वाले कोई दबाव तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, दबाव कोई नहीं है, ही कसम वो खाती है कि मर जाऊँगी, कर लूँगी तो मैं भी क्या दूँगा।